5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का दूसरा दिन शुरू, पहले दिन लगी इतने लाख करोड़ रुपए की बोली। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। पहले दिन की स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में हो रही पहली नीलामी में पहले ही दिन कंपनियों की ओर से लगाई गई बोलियों ने 1,45,000 का आंकड़ा छू लिया है। कंपनियों की ओर से लगाई गई बोलियों ने 1,45,00,000 का आंकड़ा छू लिया है। 26 जुलाई 2022 को सुबह 10 बजे शुरू हुई 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया पहले दिन शाम 6 बजे तक 4 राउंड में बोलियां लगाई गई। इससे पहले मंगलवार 26 जुलाई को दूरसंचार मंत्रालय ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू की। नीलामी की यह प्रक्रिया बुधवार को भी जारी रहने की उम्मीद है। पहले दिन की स्पेक्ट्रम नीलामी पर सरकार की ओर से बताया गया है कि 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के दौरान कंपनियों ने उम्मीद से बढ़कर बोलियां लगाई है। सरकार की ओर से बताया गया है कि नीलामी के पहले दिन हुए 4 राउंड की बिडिंग में सरकार को 1,45,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां मिली है। पहले दिन स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में हो रही पहली नीलामी में पहले ही दिन कंपनियों की ओर से लगाई गई बोलियां ने 1,45,00,000 का आंकड़ा छू लिया है। 26 जुलाई 2022 को सुबह 10 बजे से शुरू हुई 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया में पहले दिन शाम 6 बजे तक 4 राउंड में बोलियां लगाई गई। इस दौरान मंत्री ने यह भी कहा कि अगर बोली लगाने वालों बीच और स्पेक्ट्रम के बीच मांग बची रही तो नीलामी बुधवार को भी जारी रहेगी। दूर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले दिन 700 MHz बैंड फ्रीक्वेंसी के लिए बोलियां मिली है। वैष्णव ने कहा है कि मंत्रालय इस साल 15 अगस्त से पहले नीलामी प्रक्रिया को पूरा करनी चाहती है ताकि इसी साल सितंबर से अक्टूबर महीने तक देश में 5G सेवाओं की शुरुआत की जा सके। नीलामी प्रक्रिया में 3 बड़े मोबाइल सेवादाताओं के अलावा अदानी समूह के अदानी डेटा नेटवर्क भी हिस्सा ले रही है। अदानी ग्रुप के अलावा रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया भी स्पेक्ट्रम की बोली लगाएंगे। इस नीलामी में कुल 72 GHz एयरवेव की बोली लगेगी। नीलामी में 72,97.85 MHz के स्पेक्ट्रम की 20 साल के लिए बोली लगेगी। जिन स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी के लिए नीलामी हो रही है उनमें 600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3300 MHz और 26 GHz के बैंड शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर टेलीकॉम सेवा प्रदाता मध्य और उच्च बैंड वाले स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाएंगे ताकि देश में 4G से करीब 10 गुना ज्यादा स्पीड और क्षमता वाली सेवाओं को उतारा जा सके। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे 24।